ये है गीता का घर। यहाँ गीता क्या कर रही है? दीदी बच्चे बहुत घूम रहे हैं इस समय, पता नहीं कौन ले जाता है बच्चों को पकड़ के। हाँ गीता, बच्चों को पकड़ के पता नहीं कौन ले जाता है, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। कहाँ बच्चे रहते हैं ये सब ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों का। छोटे छोटे बच्चों को भी दीदी ले जा रहे, छोटे बच्चे तो घर से बाहर नहीं जाते। हाँ गीता, बहुत छोटे बच्चों को भी ले जा रहे हैं, जैसे रोशनी हो गई, उन इतने छोटे बच्चों को भी ले जा रहे, वो तो बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ दीदी, मुझे अपनी रोशनी का भी ख्याल रखना होगा। समझ नहीं आता दी, गीता ये घर से कैसे चले जाते हैं। गीता बहू, मेरी कंघी कर दो थोड़ा। हाँ माँ जी, मैं कर रही हूँ आपकी कंघी। गीता तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ मम्मी की कंघी। हाँ बेटा, तू ही कर दे बहू, अब कर कंघी। हाँ मैं आ रही हूँ माँ जी, कर देती हूँ आपकी कंघी। माँ जी इस समय बहुत ज़्यादा बच्चे घूम रहे हैं, पता नहीं कौन ले जाता है। सुना है मैंने भूतों का ये काम है। ये क्या बहू तू बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ जी मेरे को भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है, कोई ले जाता होगा पकड़ के, पता नहीं बच्चों का क्या करते हैं। हाँ माँ जी, आपकी कंघी हो गई है माँ जी। रोहन कहाँ है मम्मी? दिख नहीं रहा है, बाहर खेलने गया, आपने उसे बाहर भेज दिया। हाँ देख के मैं आती हूँ। ये भी क्या, कितना ज़्यादा डर रही है, थोड़ा बहुत तो बच्चे खेलेंगे ही ना। रोहन रोहन कहाँ हो तुम? रोहन तो दिख नहीं रहा बाहर। गीता वो तुम खाना बना लो। माँ जी रोशनी को मैं पकड़ी हुई हूँ, मैं पकड़ लेती हूँ रोशनी को, तुम जाओ खाना बना लो। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ, आप रोशनी को ले लीजिए। मेरी प्यारी गुड़िया, इतनी ठंड भी नहीं है, जितना इसको लपेट देते हैं इतनी उसको तो गर्मी लगती होगी। हटा देती हूँ सब कुछ, इतनी ठंड नहीं है, फिर भी मेरी गुड़िया रानी को परेशान करते हैं। कितनी प्यारी लग रही है ऐसे में, सोचो मेरी गुड़िया रानी। मम्मी रोशनी को ली हुई है, मैं जब से जल्दी से काम कर लेती हूँ सारे। बहू खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी, अभी रोशनी को सो गई है बहू, तो मैं इसलिए यहाँ आ गई। मम्मी रोशनी को आप अकेले मत छोड़िए, बच्चे बहुत घूम रहे हैं। हैं मम्मी, घर से तो कैसे बच्चे घूम जाएंगे? नहीं मम्मी, घर से भी घूम रहे हैं। नहीं घूम रहे, ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी, आप देख लीजिए ना। ठीक है मैं जा रही हूँ मम्मी बिना। जाती हूँ रोशनी को देख लेती हूँ, क्या पता जग गई हो। रोशनी किधर है? शायद मम्मी के पास होगी। मम्मी क्या हुआ बहू? मम्मी रोशनी को दे दीजिए, रोशनी सो रही है उधर ही। उधर नहीं है तो मम्मी रोशनी, चलिए देखते हैं रोशनी किधर है। रोशनी को तो मैं यहीं छोड़ दी थी। रोशनी किधर है मम्मी? रोशनी में यहीं छोड़ दी थी, यहीं सो गई थी वो, तो मैं यहीं छोड़ दी थी। देखो कहीं बड़ी बहू ले गई होगी रोशनी को शायद। हाँ हाँ दीदी शायद नहीं हो, चलो देख लेते हैं। दीदी भी नहीं दिख रही हैं। ये मेरी रोशनी की कैप है। हाँ ये तो रोशनी की कैप है, यहाँ कैसे आ गई? वो तो हमेशा पहनी रहती है कैप। कहीं उसको कोई उठा के तो नहीं ले गया? मेरी बेटी को भूत तो नहीं ले गया? ऐसा बहुत हल्ला मचा हुआ है। क्या हुआ चाची, आप क्यों रो रही हैं? रोशनी नहीं दिख रही है, रोहन पता नहीं कहाँ गई, रोशनी नहीं दिख रही है, कैसे हो सकता है? हाँ रोहन, रोशनी नहीं दिख रही है, कैसे हो सकता चाची? नहीं दिख रही, चलो चलो देखते हैं, मम्मी तो आई नहीं होंगी। अच्छा नहीं, ये देखते हैं। दीदी मैं आप ही के पास आ रही थी।
हाँ मैं भी तुम्हारे पास आ रही थी। दीदी रोशनी नहीं दिख रही है। क्या कह रही हो रोशनी नहीं दिख रही है? हाँ रोशनी नहीं दिख रही दीदी, कहाँ चली गई? मुझे तो लगा आप नहीं हुई, चलो देखते हैं उसे बाहर। रोशनी कहाँ जाएगी? मम्मी लेके गई होंगी। हाँ मम्मी घुमाने ले गई होंगी शायद उसको बाहर। चाची तुम्हें फालतू ही परेशान हो रही है। तुम्हारी बहन को ले गई, अब तुमको भी ले जाऊंगी। बस मुझे एक ही बच्चे की और चाहिए बनी, और फिर मैं मर जाऊंगी। ये तो रोहन की आवाज है, ये रोहन क्यों चिल्ला रहा है? चलो ये तो देखते हैं रोहन क्यों चिल्ला रहा है इतना तेज तेज। हाँ चलिए दीदी चलिए। क्या हो गया रोहन को? रोशनी भी नहीं दिख रही है। भूत भूत क्या हुआ रोहन? भूत था मम्मी उधर, भूत था मम्मी। कि क्या कह रहे हो रोहन? ऐसा भूत कुछ नहीं होता है। भूत था मम्मी, बहुत डरावना था, वो मेरे को ले जाता। चलिए मम्मी कहाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। ये बच्चे भी ना क्या क्या कहानियां बनाते रहते हैं। मम्मी सच में यहाँ भूत था, वो मेरे बोल रहा था मैं तुम्हारी बहन को मैं ही ले गया हूँ। ये बच्चा बच गया, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बच्चा बच गया है मुझसे। इसको तो नहीं डोला गया।